इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। निर्माणाधीन भवन की दीवार गिर गई। भट्टा बस्ती थाना इलाके की घटना है। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। दो बच्चे इस दीवार के नीचे दब गए, लेकिन समय रहते ही इन दोनों बच्चों को बाहर भी निकाल लिया गया है। तुरंत अस्पताल उन्हें भिजवाया गया, उपचार वहां पर जारी है। निर्माणाधीन मकान बताया जा रहा है जिसकी दीवार गिर गई। भट्टा बस्ती इलाके की घटना, दो बच्चे इस दीवार के नीचे दब गए, लेकिन दोनों बच्चों को समय रहते ही बाहर निकाला गया। पूरी जानकारी के साथ सीओगी सत्यनारायण इस वक्त जुड़ गए। सत्यनारायण, निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने की जानकारी आ रही थी, दो बच्चों को फंसा हुआ पाया गया, क्या जानकारी और अपडेट इस पर? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि जो हादसा हुआ है भट्टा बस्ती इलाके में, वहां पर एक निर्माणाधीन भवन की जो दीवार गिरी थी, उस दीवार के नीचे गिरने से तीन बच्चे उसमें दब गए थे, जिसमें दो बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई है। दोनों बच्चों को अस्पताल भिजवाया गया इलाज के लिए। वहीं जो मृतक बालक है, तीसरा बच्चा, उसको शव मोर्चरी में रखवाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस के अधिकारी मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है ये कि और कोई तो वहां दबा हुआ नहीं है ना, लेकिन जो वहाँ आसपास के लोगों ने कहा तीनों बच्चे वहाँ खेल रहे थे, खेलने के दौरान ही इतना बड़ा ये हादसा हुआ। दो मंजिल का ये भवन था और बच्चों को मौका मिला ही नहीं वहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन समय रहते सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और जो दो बच्चे थे उनकी जान बचाने में टीम सफल हुई है। लेकिन एक बच्चा जिसके सिर पर पत्थर की चोट लगी थी, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और आसपास के जो लोग हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से दूर हटाया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। सत्यनारायण, इस मामले में किसी तरह की, क्योंकि आपने अब खबर भी ब्रेक की है, कोई लापरवाही का एंगल नजर आ रहा है कि किसी तरह से भवन निर्माण के काम में, या फिर दीवार जो ढही वो कमजोर थी या फिर कच्ची दीवार थी जो हाल ही में बनी थी? देखिए, दीवार कच्ची थी, लेकिन जो बच्चे थे, दीवार हाल ही बनी थी, लेकिन जो बच्चे थे उन बच्चों को एहसास नहीं था कि वो दीवार गिर सकती है। ऐसे में जो तीनों बच्चे थे वो आराम से वहाँ खेल रहे थे और खेलने के दौरान जब उन बच्चों ने दीवार को छुआ तो बच्चों के धक्के लगने से वो दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई और तीनों बच्चे वहां पर दब गए। लेकिन रात की बात थी, दो बच्चे थे वो बच्चे साइड में दबे थे और एक बच्चे के सिर के ऊपर पत्थर गिर गए थे। ऐसे में तीसरे बच्चे ने मौके पर दम तोड़ दिया, बल्कि दो जो बच्चे हैं उनको, दोनों बच्चों को समय रहते अस्पताल भेज दिया गया जिसकी उनकी जान बचाई जा सकती है। हालांकि वो चोटिल हुए हैं, लेकिन उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर कहना है कि उनके दोनों की जान खतरे से बाहर है। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर पुलिस मामले की जांच करके आखिरकार क्या कुछ कारण रहा दीवार गिरने का, या फिर इसके अंदर और कोई दबाव नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान यह है कि अगर कोई दबाव हुआ हो तो उसको बाहर निकाला जा सके, लेकिन बताया जा रहा है कि अब कोई दबाव नहीं है और जो दोनों बच्चे हैं वो सकुशल है, उनको अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, बल्कि तीसरे बच्चे का जो शव है वो मौत में रखा दिया गया है। चलिए सत्यनारायण, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में, थाना इलाके में ये घटना हुई जहां पर एक निर्माणाधीन भवन की दीवार ढह गई। दुखद क्योंकि एक बच्चे की मौत हो गई है, दो बच्चे इसमें और दब गए थे, यानी कि तीन बच्चे वहां पर खेल रहे थे। इस चीज से अनभिज्ञ थे कि दीवार कच्ची है, गिर सकती है और अनजाने में जो भूल हुई उसका खामियाजा एक बच्चे को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दो और बच्चे थे, उन्हें तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल, उपचार वहां जारी है।